बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक 70,000 रुपए पर ईयर देंगे। तो 70 साल से क्या कर रहे थे? भारत के आज के डेट में जो गरीबी लोग भी ना, वो चाहते नहीं कि फ्री में भारत में बहुत, अगर 1000 साल पहले भी अगर जाओगी ना, भारत बहुत अमीर था, यहीं पे कोई भिखारी था ही नहीं। अच्छा, ये अंग्रेज लोग भी, गोरे लोग भी कहते कि यहीं पे कोई भिखारी था ही नहीं, ये तो भिखारी इनके परिवार कट दिए। और आज के डेट में कोई भी गरीब लोग, कोई भी गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम फ्री में खाए। ये इलेक्शन से 10 दिन पहले ये पॉलिटिक्स करते। भैया पहले तुम्हें ये पता कि तुम गरीब हो या गरीबी होती क्या है? मोदी जी हमारे बीच में रहे, उन्हें हमारी भावनाओं का पता है कि हमारे पे क्या गुजरती है क्या नहीं गुजरती है। मैं राजस्थान से हूँ और हमारे को भी वहाँ पे लोगों को बोला गया है, सभी किसानों को, कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे। तो किसी का 2 रुपया हो रहा है, किसी का 3 रुपया, और वो भी उनका हो रहा है जो अभी तक लिस्ट में जिंदे ही नहीं है, आधे तो पता ही नहीं है मरे हुए हैं क्या है। ठीक है, ऐसे ही MP में मैं जाता हूँ वहाँ पे गुरुजी के, तो वहाँ भी सुना है कि किसी का नहीं हुआ है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे के और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, उसके बाद इनका वो लूट वो कसोट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पहले लोन माफ़ी के चक्कर में सीटें आ गई तो उनको लगता है एक और मुफ्त का कोई जुमला दे देते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से लेके उन्होंने यही गरीबों को सपना दिखाकर वोट बैंक हासिल कराए, करा कुछ भी नहीं उन्होंने आज से गरीबों के लिए। दोस्तों, जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फैल रहा था, उसकी एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी चल रही थी, जिसके मारे आज हिंदुस्तान हमारा इतना डाउनफॉल में चला गया था। लेकिन आज श्री मोदी सरकार जी हैं, मोदी जी ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान का उज्ज्वल भविष्य है, और आगे आने वाले टाइम में अपने बच्चों, अपनी पीढ़ियों को अच्छा संस्कार, अच्छा देश दे के जाना चाहते हो तो श्री मोदी सरकार को। जो पब्लिक है ये सब जान।